कैसे हैं आप सब लोग। एसपी लर्निंग हब पर आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 9th का जो 5th चैप्टर है, अध्याय 5, यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है जीवन की मौलिक इकाई। इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्नों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अभ्यास प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और राइट साइड में बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना आप तक आसानी से पहुंच जाए और आप सबसे पहले वीडियो को देख सको। और हाँ, इन क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ फॉर्मेट या पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके सीधे टेलीग्राम पर जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां से फ्री में पीडीएफ फाइल आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है, देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तुलना करो, यानी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर आप लोगों को यहां पर लिखना है। तो देखिए, तुलना करना का मतलब यही होता है अंतर करना। यहां पर आप लोगों को उत्तर दिया हुआ है तो देखते हैं हम इसको एक सारणी के रूप में लेकर और सारे अंतर देख लेंगे। तो देखिए, एक साथ ही आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई नहीं देगी, टोटल 5-6 हैं, तो आप 3-3 करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले इधर तो दिया हुआ है आप लोगों को क्या, पादप कोशिका, और इधर दिया हुआ है जंतु कोशिका। दोनों को, दोनों के एक एक कैरेक्टर को लेकर हम बात करने वाले हैं। पहला इधर देखिए, पादप कोशिका में इनमें सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति तथा प्लाज्मा झिल्ली दोनों पाई जाती है। पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी कोशिका भित्ति पाई जाती है और प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जंतु कोशिका में इनमें केवल प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये, जिसकी वजह से पादप कोशिका और जंतु कोशिका में डिफरेंस किया जाता है, ठीक है ना। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। बात करते हैं दूसरे कैरेक्टर की, पादप कोशिका में इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं जबकि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। बात करते हैं तीसरे कैरेक्टर की, तो पादप कोशिका में देखिए इनमें रसधानियां बड़ी एवं पूर्ण विकसित होती है, जबकि अगर जंतु कोशिका की बात करें तो इनमें रसधानियां अनुपस्थित होगी या फिर बहुत छोटी होगी, ठीक है। पादप कोशिका में रसधानियां बड़ी होती है, पूर्ण विकसित होती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियां या तो अनुपस्थित होगी या फिर होगी तो बिल्कुल छोटी छोटी होगी, ठीक है। बात करते हैं अगले कैरेक्टर की, देखते हैं अपन चौथा लक्षण जो है या चौथा अंतर पादप कोशिका और जंतु कोशिका में है उसके बारे में बात करते हैं। पादप कोशिका में देखिए इनमें प्रायः कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, यानी पादप कोशिका में जो कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका अंगक होते हैं, कैसे होते हैं, झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में इनमें कोई भी कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नहीं होता है, यानी जंतु कोशिका में पाए जाने वाले सारे कोशिकांग कैसे होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला, पांचवा देखिए, पादप कोशिका में इनमें गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित नहीं होता है जबकि जंतु कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। अगला देखते हैं, छठा अंतर है कि इनमें केंद्रक कोशिका के परिधि की ओर खिसका होता है। पादप कोशिका में क्या होता है, केंद्रक जो होता है कोशिका की परिधि की तरफ रहता है, यानी साइड में रहता है, मध्य भाग में नहीं होता है, जबकि जंतु कोशिका की बात करें तो केंद्रक कोशिका के मध्य में स्थित होता है। क्यों, क्योंकि इसमें रसधानियां कम होती है और पादप कोशिका में रसधानियां क्या होती है, बड़ी होती है, पूर्ण विकसित होती है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न आप लोगों का कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी यहां से भी कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहां से पीडीएफ फाइल भी ले सकते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, दूसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए प्रश्न है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है यह आप लोगों को बताना है, यानी दोनों में आप लोगों को क्या लिखना है, अंतर लिखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो चलिए देखते हैं अंतर। यहां पर देखिए,
एक साइड में तो दी हुई है प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक साइड में दी हुई है यूकैरियोटिक कोशिका। लेफ्ट साइड की तरफ है प्रोकैरियोटिक, राइट साइड की तरफ है यूकैरियोटिक कोशिका। आप लोगों ने चैप्टर जब पढ़ा था तो वहां पर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी। देखते हैं एक एक करके अंतर। प्रोकैरियोटिक में पहला, ये कोशिकाएं सामान्यतः छोटे आकार की होती है, लेकिन यूकैरियोटिक में देखते हैं तो ये कोशिकाएं अधिकतर बड़े आकार की होती है। हाँ, कुछ छोटी हो सकती है लेकिन अधिकतर क्या होगी, बड़े आकार की होगी। और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये क्या है, सामान्यतः छोटे आकार की होती है। तो यहां पर देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका की साइज भी आप लोगों को यानी मैंने लिख के बता दी है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं 1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकती है, जबकि अगर बात करें अपन यूकैरियोटिक कोशिका तो ये क्या है, 5 से 100 माइक्रोमीटर तक की हो सकती है। ठीक है, तो इनको तो मैं हटा देता हूं, आगे बात करते हैं दूसरे जो कैरेक्टर हैं उनकी। अगला है देखिए दूसरा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होगी उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है। अगला करेक्टर क्या आता है, अगला आ रहा है तीसरा कि इनमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल और केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि बात करें यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तो 1 से अधिक क्रोमोसोम इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले करेक्टर की। अगला देखिए चौथा, चौथा करेक्टर है अंतर जो है कि इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं होते हैं, लेकिन बात करें यूकैरियोटिक की तो इनमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक पाए जाते हैं। अगला देखते हैं पांचवा कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो होता है समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। जब आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर समसूत्री और अर्धसूत्री दो प्रकार के कोशिका विभाजनों के बारे में बात की होगी। तो ध्यान दीजिए प्रोकैरियोटिक में तो देखो कैसा है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका विभाजन विखंडन और मुकुलन के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। इन दोनों को आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले कैरेक्टर की। छठा और लास्ट जो अंतर है वो देखते हैं हम। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिड में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल होता है प्लास्टिड में होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल होता है झिल्लीदार पुटिका के रूप में पाया जाता है, पुटिका के साथ में होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, बहुत अच्छा प्रश्न है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछने की काफी संभावना है। तो देखिए प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3, यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा। मान लीजिए अगर कोशिका में जो प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है वो टूट जाए या फट जाए तो क्या होगा। प्लाज्मा झिल्ली के 2-3 नाम है, आप लोगों को ये याद होने चाहिए। देखो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका कला भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य में झिल्ली भी कहते हैं। तो ये कुछ नाम है, आप लोग याद रखिएगा। तो देखते हैं इसका आंसर कि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए टूट जाए तो क्या होगा। भाई प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य में होती है, अर्थात ये चयनित पदार्थों के आवागमन में ही सहायक होती है। ये कोशिका के लिए वांछित पदार्थों को तो अंदर आने देती है और अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देती है, साथ ही अंदर आने से भी रोकती है। इसलिए यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए टूट जाए तो वर्णात्मक कार्य समाप्त हो जाएगा, जिससे कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाएगी। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है, मतलब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। कोशिका के लिए जो वांछित पदार्थ होते हैं उनको तो ये कोशिका के अंदर ले लेती है, लेकिन जो अवांछित पदार्थ होते हैं जो कोशिका के लिए हानिकारक हो सकते हैं उनको ये बाहर ही रोक लेती है। और अगर मान लीजिए प्लाज्मा झिल्ली टूट जाती है फट जाती है तो अनावश्यक पदार्थ कोशिका के अंदर आ जाते हैं और प्लाज्मा झिल्ली का जो कार्य होता है वो समाप्त हो जाता है, जिससे कोशिका क्षतिग्रस्त हो सकती है या फिर कोशिका मृत भी हो सकती है। बात करते हैं अगले चौथे प्रश्न की। चौथा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, देखिए प्रश्न है यदि गोल्जी उपकरण न हो तो कोशिका में क्या होगा। गोल्जी उपकरण जिसको अपन गोल्जी काई भी कहते हैं, अगर मान लीजिए कोशिका में ये नहीं है तो क्या होगा, कोशिका पर क्या असर पड़ेगा। उत्तर देखिए, यदि गोल्जी उपकरण न ही हो तो कोशिका में उत्पन्न पदार्थों का संग्रहण रूपांतरण एवं पैकिंग कार्य बाधित हो जाएगा,
साथ ही लाइसोसोम का निर्माण भी नहीं हो पाएगा, इससे अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा, परिणाम स्वरूप कोशिका का जो जीवन है वो कम हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता है गोल्जी काई जो होता है, गोल्जी उपकरण जो होता है, कोशिका में उत्पन्न पदार्थों को संग्रहित करता है, उनका रूपांतरण करता है और पैकिंग का कार्य करता है। अगर मान लीजिए गोल्जी उपकरण नहीं होगा, कोशिका में नहीं होगा, तो ये तीनों कार्य प्रभावित हो जाएंगे। और साथ ही देखिए गोल्जी काई जो होता है ना, गोल्जी उपकरण लाइसोसोम का निर्माण करता है, लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन भी इससे नहीं होगा, इसलिए कोशिका का जो जीवन हो जाएगा वो जीवन क्या है, कम हो जाएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, पांचवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, पांचवा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न है प्रश्न पांच, कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए देखते हैं इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का महत्वपूर्ण अंगक होता है, जिसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के संचालन हेतु माइटोकॉन्ड्रिया भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त करता है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। अतः ऊर्जा उत्पादन करने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। भाई माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंगक होता है और इसी को कोशिका का बिजली घर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जीवन के लिए जो आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाएँ होती है उनकी संचालन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, भोजन का ऑक्सीकरण करता है और ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको एटीपी के रूप में ये संचित रखता है और ऊर्जा के उत्पादन के लिए ही ऊर्जा का उत्पादन करता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका का बिजली घर कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की, छठा प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने, प्रश्न नंबर छह, छठा प्रश्न है प्रश्न छह, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका झिल्ली को बनाने के लिए जो लिपिड होता है, प्रोटीन होता है, उसका संश्लेषण कहाँ होता है, आप लोगों को ये बताना है। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? अंतर्द्रव्यीय जालिका, जिसको शॉर्ट में ER कहते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। देखिए लिपिड का संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका द्वारा। देखो अंतर्द्रव्यीय जालिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है, एक चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका होती है। चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका को SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जालिका को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो लिपिड है उसका संश्लेषण चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका SER से होता है और प्रोटीन का संश्लेषण कौन करते हैं? राइबोसोम करते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है प्रश्न। आगे बात करते हैं, सातवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, सेवंथ क्वेश्चन, प्रश्न है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? आप लोगों को पता होना चाहिए अमीबा जो होता है अपना भोजन कैसे करता है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। तो देखिए इसका आंसर ये रहा, अमीबा एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा बाह्य वातावरण से अपना भोजन प्राप्त करता है और भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में अमीबा की लचीली कोशिका झिल्ली अंदर की ओर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है जिसको पादाप कहते हैं और वो भोजन को घेर लेती है तथा एक खाद्य धानी का निर्माण कर भोजन को अंदर ले लेती है। देखो अमीबा में क्या होता है, भाई अमीबा एक कोशिकीय प्राणी होता है, मतलब पूरा शरीर कितनी कोशिकाओं से, एकमात्र कोशिका से इसका शरीर मिलकर बना होता है। ठीक है, इसमें गमन यानी गति के लिए भी क्या होते हैं, पादाप पाए जाते हैं। अब जैसे अमीबा में भोजन की बात करें तो एंडोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा यह भोजन को ग्रहण करता है। अब अमीबा की लचीली कोशिका झिल्ली जो होती है क्या करती है, मुड़ जाती है और मुड़ के कप के जैसी आकार बना लेती है ऐसे। अब कप के जैसा आकार बनाएगी, मान लो जैसे ये संरचना बन गई, यहाँ पे भोजन आया तो बाहर वाली भित्ति से भोजन को पकड़ के और अंदर ले लेती है और खाद्य धानी का निर्माण कर लेती है और बस इससे भोजन ग्रहण कर लेता है। ठीक है,
करते हैं अगले प्रश्न की। आठवां प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा। प्रश्न है परासरण क्या है, प्रश्न क्या है परासरण क्या है। तो परासरण के बारे में बात करते हैं कि जल के अणुओं का वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करना ही क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। परासरण का मतलब है कि जब जल का, देखो जल का जो गति होती है विसरण के द्वारा भी होती है, परासरण के द्वारा भी होती है। लेकिन परासरण कब कहते हैं कि जब जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा, झिल्ली की सहायता से उच्च जल सांद्रता से निम्न जल सांद्रता की ओर गति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परासरण कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। प्रश्न 9, निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। एक प्रयोग करना है और उसके कुछ प्रश्न हैं, उनका भी उत्तर हम लोगों को देना है। तो देखते हैं, ये रहा प्रयोग क्या है। देखो, छिले हुए आधे आलू के चार टुकड़े लो और इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है और आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रख देना है। क्या करना है भाई, आलू को छिलना है और छिले हुए आधे आधे आलू के क्या करने हैं, चार टुकड़े करने हैं। इन टुकड़ों को क्या करना है, खोखला बनाना है, कप के जैसा बनाना है। फिर एक कप जो बनाए अपन क्या करना है, उबले हुए आलू का बनाना है और बाकी के तीन कैसे बनाने हैं, सादा आलू के, कच्चे आलू के बनाने हैं। अब क्या करना है, देखो अब क्या करना है, अब करना है आप लोगों को, कप ए को तो रखना है खाली, कप बी में एक चम्मच चीनी डालनी है, कप सी में एक चम्मच नमक डालना है और उबले आलू से बनाए गए कप डी में क्या करना है, एक चम्मच चीनी डालनी है। देखो पहला कप, दूसरा कप और तीसरा कप, यानी ए बी सी तीनों कप जो है वो कैसे हैं, कच्चे आलू के हैं, जबकि डी कप जो है वो उबले हुए आलू का है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। कप ए को क्या करना है, खाली रखना है, कप बी में क्या करना है, एक चम्मच चीनी डालना है, कप सी में एक चम्मच नमक डालना है और चौथा जो था आलू, उबले हुए आलू का जो कप था उसमें क्या करना है, एक चम्मच चीनी डालना है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आएंगे, उनके उत्तर आप लोगों को देना है, तो एक एक के उत्तर मैं आप लोगों को नीचे यहाँ पर बता दूंगा। देखिए पहले देखते हैं, आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे तक रखने के पश्चात अवलोकन करो, निम्न प्रश्नों को उत्तर दो। इन चारों कपों को व्यवस्थित करके और क्या करना है, 2 घंटे तक रखना है और फिर इन प्रश्नों के उत्तर अवलोकन करके इन प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। एक एक प्रश्न को देखिए। पहला प्रश्न है कि बी तथा सी के खाली भाग में जल क्यों एकत्र हो गया। बी तथा सी जो आलू है इनमें जल कहाँ से आ गया, इसका वर्णन आप लोगों को करना है। तो देखिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर आप लोगों के सामने ये रहा, बी और सी में जो पानी आया वो कहाँ से आया। बी और सी कप कच्चे आलू से बनाए गए हैं, इसलिए इनकी कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्यता का कार्य करती है जिससे जल परासरण द्वारा कप बी और सी के अंदर चला जाता है। देखो बी और सी कैसे आलू के बनाए गए थे, कच्चे आलू के बनाए गए थे। अब इनकी कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसका कार्य करती है, वर्णात्मक पारगम्यता का कार्य करती है, इसलिए जल परासरण के द्वारा कप के बी और सी के अंदर आ जाता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं अपन। बी, बी है आलू ए, आलू का कप इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आलू ए था वो इस कप, इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसको आप लोगों को देखना है। तो देखिए सही ढंग से इसका आंसर देखते हैं। ए आलू का कप इस प्रयोग के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कप दर्शाता है कि जब कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाता है जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल के अणुओं की कोई शुद्ध गति नहीं होती है। देखो ए वाला जो था कच्चे आलू का कप था, अब ये दर्शाता है कि इसके कप के मध्य में जो विलयन है, यानी इसका जो माध्यम है वो ऐसे विलयन में अगर इसको रखा जाता है कि इसकी सांद्रता बाहर वाले विलयन की सांद्रता के बराबर होती है, तो इनमें कोशिका झिल्ली के द्वारा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली जो है उसके द्वारा जल की कोई शुद्ध गति नहीं होती है, इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तीसरा प्रश्न अपन देखते हैं फिर से। प्रश्न 3 ये रहा आप लोगों के सामने। देखो
ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन आप लोगों को करना है। देखो ए और डी जो दोनों आलू हैं, ए वाला पता है आप लोगों को कच्चा था और डी वाला पता है पक्का था, पका हुआ आलू था। तो ए और डी आलू का जो कप था उसके खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका आंसर देखिए ये रहा, इसका आंसर है कि ए तथा बी आलू के खाली भाग में जल एकत्र नहीं हुआ, क्योंकि ए कप कच्चे आलू का बना था और भीतर से खाली था, परंतु कप बी उबले, सॉरी यहाँ डी की जगह बी छपने में आ गया है, आप लोग यहाँ इसको शुद्ध करिए, है ना। ए तथा डी आलू, मैं करके बता देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्या लिखना है, डी लिखना है, ठीक है ना। क्या लिखना है भाई आप लोगों को, डी लिखना है यहाँ पर, ये लो डी, नहीं लिखने में आ रहा, डी लिखना है, ये लो, ठीक है ना। तो यहाँ बी की जगह क्या लिखना है, डी लिखना है। तो देखिए कप ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र नहीं हुआ, क्योंकि ए तो कैसा था, कच्चे आलू का बना था और भीतर से खाली था, परंतु डी उबले आलू का था जिसमें एक चम्मच चीनी थी, और उबला होने के कारण यह क्या करता है, उबला होने के कारण यह झिल्ली का कार्य नहीं करता है, उबला होने के कारण यह झिल्ली का कार्य नहीं करता है, इसलिए आलू के कप ए तथा डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होती है। भाई ए का तो आप लोगों को बता ही दिया मैंने कि दोनों तरफ सांद्रता बराबर होगी तो शुद्ध गति नहीं होगी वर्णात्मक पारगम्य में झिल्ली से। डी कैसा था, पका हुआ आलू था, तो यह झिल्ली का कार्य नहीं करता, इसलिए जल की शुद्ध गति नहीं होती है, ठीक है। बात करते हैं दसवें प्रश्न की, दसवां प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। देखिए दसवां प्रश्न है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु किस प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है, इसका औचित्य बताएं। कायिक वृद्धि और मरम्मत जब होती है सेल्स की या अंगों की, तो उसके लिए कौन सा कोशिका विभाजन होता है, इसका औचित्य आप लोगों को बताना है। तो देखिए कौन सा विभाजन होता है, कायिक वृद्धि एवं मरम्मत हेतु समसूत्री प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता होती है। कायिक वृद्धि के लिए और मरम्मत के लिए कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, और इस विभाजन में मात्र कोशिका विभाजित होकर दो समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान ही होती है। यानी समसूत्री विभाजन जब होता है तो कोशिका, मात्र कोशिका जो होती है, विभाजित होकर दो संतति कोशिकाएं, समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न 11वां ये रहा आप लोगों के सामने, 11वां प्रश्न ये रहा, ये इस चैप्टर का 11वां अंतिम प्रश्न है। प्रश्न है देखो 11वां, युग्मकों के बनने के लिए किस प्रकार का कोशिका विभाजन होता है, इस विभाजन का महत्व बताएं। यानी युग्मक जो बनते हैं, जनकों में युग्मक जो बनते हैं, उनके बनने के लिए कौन सा, किस प्रकार का कोशिका विभाजन होना चाहिए और इस विभाजन का महत्व क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए युग्मकों के बनने के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, युग्मकों के बनने के लिए कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और इस विभाजन में प्रत्येक कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है। इस विभाजन में प्रत्येक कोशिका किस विभाजन द्वारा होती है, अर्धसूत्रण के द्वारा विभाजित होती है, जिससे दो की जगह कितनी कोशिकाएं बनती है, चार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ध्यान दीजिए इसमें गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका से कैसी रह जाती है, आधी रह जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं कंप्लीट होते हैं। यहाँ पर जैसे ही आप लोग पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर लोगे टेलीग्राम चैनल से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक करो और सीधे टेलीग्राम पर आप पहुंच जाओगे। वीडियो सॉल्यूशन के लिए YouTube पर आप जा सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके आप सीधे YouTube पर पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों में शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके राइट साइड में जो बेल का आइकन आप लोगों को दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके ऑल वाले नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है तो उसकी सूचना सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर आप लोग चाहते हैं
इस वीडियो को पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से सीधे आप लोग लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ फाइल प्राप्त कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और चैप्टर के प्रश्नोत्तरों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।